हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम ये बताएंगे कि कैसे आप अपना कार का रेगुलर लाइसेंस बना सकते हो। ये आपका रेगुलर लाइसेंस होता है जिसमें साफ लिखा होता है कि आप लाइट मोटर व्हीकल चलाने के अधिकारी हो, या अगर आपने हैवी व्हीकल भी चलाने हैं तो HMV का भी लाइसेंस मिल सकता है। ओके, तो ये कैसे बनता है ये आज हम आपको सिखाएंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको लर्निंग लेना है लाइसेंस। इसके लिए सबसे पहले अपना प्रूफ देके, फोटो देके, फॉर्म भर के 300 350 होती है वो अपनी सिटी में ही, या जो सुविधा सेंटर बने हुए हैं वहां जमा कराना होता है और एक टेस्ट देना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि इस सिग्नल का क्या नाम है। वो हम अपने अगले वीडियोस में बताएंगे कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं, कहाँ पे कार को रोकना होता है, कहाँ पे कार को स्लो करना होता है, कहाँ पे कार को क्रॉस करना होता है, लाइट का कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है, रात को कैसे कार को चलाना होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आपने आंसर देने हैं। अगर आपके 50% और उससे ज्यादा आ जाते हैं तो आपको लर्निंग सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसके ऊपर कार के ऊपर आपको लिखना होता है L। उसके 40-45 दिन के बाद आप अप्लाई करते हो पक्के लाइसेंस के लिए रेगुलर 6 महीने के बीच बीच रेगुलर लाइसेंस के लिए। ये परमानेंट लाइसेंस होता है तो इसकी फीस 1000-1500 होती है, वो भरनी होती है। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, ट्रैक बनाया होता है उन्होंने, जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपके स्टेट का है या डिस्ट्रिक्ट का है। उसमें क्या है कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि यहां से कार चलेगी, ये कार चली, यहां आपका ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, यहां लिखा होगा स्टॉप, तो कार को इस जगह पे जगह लेके आपने रोकना है 1 मिनट या आधा मिनट के लिए जितना भी कहेंगे। उसके बाद ये कार चल जाती है यहां, और यहां एक आपका पार्किंग का स्थान है, तो आपकी कार ये आ रही है, कार को कुछ आगे लेके आपने ये कार को यहां पार्क करना होता है। तो पार्किंग हमने सिखाए हैं वीडियोस में, वैसे पार्किंग कीजिए आप, यहां भी ब्रेक लगा सकते हैं, आप हिल कह सकते हो इसको। तो उसके बाद ये कार यहां से चली जाती है इस तरफ, एक यहां रास्ता होता है और एक रास्ता यहां बंद हो जाता है। अब ये कार को आपने सीधा लेके जाना है यहां पे, और उसके बाद आपने बैक करते हुए यहां तक जाना है, बैक करके एक इस तरह बैक हो जाएगा, उसके बाद यहां वापस आ जाना है आपने। अगर सब कुछ आपने अच्छा किया, यहां आपका वीडियो बनेगा, अगर सभी सिस्टम आपने अच्छा किया, आपको अच्छी कार आती है तो आपको रेगुलर लाइसेंस मिल जाएगा। उसके जैसे ही आपने फीस भर दी और ये टेस्ट दे दिया, उन्होंने टेस्ट कह दिया ओके है, उसके बाद 10 दिन के बाद आपने जाना है अपने डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट का ये लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं वहां से आपको परमानेंट रेगुलर लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आपने 2017 है तो 2030-30 तक का आपका वो लाइसेंस मिल जाएगा कि आप ऑल इंडिया में कहीं भी अपनी कार ले जा सकते हो, आपने यह टेस्ट क्लियर किया है तो ये लीगल है। कार चलाते हो तो आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। ओके, आपको किसी भी एजेंट के थ्रू लाइसेंस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो पैसे भी ज्यादा लें, बट ये बहुत ही सस्ते में बनता है, तथा जो गवर्नमेंट है आपकी स्टेट गवर्नमेंट है आपके लिए ये सिस्टम बनाया है, आपको फॉलो करना है। ओके, थैंक यू।